अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त आज पेपर है मेरा प्रॉफ का। क्या बात है। फार्माकोलॉजी का थर्ड ईयर नंबर वन पेपर। ठीक है, तो मैंने कहा हम लोग पेपर्स को रिकॉर्ड करेंगे, आगे जाके मेडिकल स्टूडेंट से सवाल जवाब भी करेंगे। तो अभी खैर लेट हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं 7:30, 8 बजे तक सेंटर पहुँचना है SMC। तो अभी रोल नंबर सिर्फ ले लिया और सेंटर जा रहे हैं। तो सेंटर जाके बात करते हैं अभी, क्योंकि लेट हो रहे हैं, तो बस निकलते हैं। घर से निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं SMC। आज जो है मेरा फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम है, और पिछले साल भी हम लोगों ने ये सीरीज़ बनाई थी, इस साल भी हम लोग ये सीरीज़ बना रहे हैं। अभी मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। कैसे हैं पापा? फाइन, थैंक यू। आप सुनाएं, अल्लाह आपका पेपर अच्छा करे, आपको कामयाब करे। थैंक यू। दोस्तों के लिए भी दुआ करते हैं पापा। अल्लाह ताला आपके सारे ग्रुप का, सारे दोस्तों का जो है वो अच्छा पेपर करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। धुंध वगैरह आज तो बहुत ज़्यादा हुई भी है, सुबह बारिश हुई थी पता नहीं। तो अभी 7:40 हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग SMC पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके फिर आपको हालात दिखाते हैं। टेंशन वगैरह अभी इस वक्त हमें कोई नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी की है और बाकी बस अब अल्लाह पे छोड़ दिया। जो होगा अल्लाह ने करना है, हमने अपनी तरफ से अपना 100% दे दिया। ठीक है, तो अब हम इस सेंटर जाके आपको मिलते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं, और अभी क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अंदर कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अभी हम किसी को तंग नहीं करेंगे। अभी बस मैं अपना मोबाइल जो है दोस्त की गाड़ी में रखवाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम डायरेक्ट पेपर देने जाएंगे, तो किसी को भी तंग नहीं करते। सभी इस वक्त जो टेंशन में होंगे फुल पढ़ रहे होंगे। खैर, मैं कोई बुक्स वगैरह नहीं लाया, क्योंकि वो जितना पढ़ना होता है वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो बस अब मोबाइल रखवाते हैं और फिर पेपर दे के आते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं और फिर शुगर मिला लगाते हैं। ओके जी। तो मैं तो मोबाइल रखवाना है तो दोस्त की गाड़ी में, तो लोग तो यहीं बैठ के रट्टे मार रहे हैं, मुझे लगा अंदर चले गए। तो खैर, मैंने कहा हम भी यहाँ बैठ के थोड़ा सा इनके साथ रिवाइज कर लेते हैं, जनैशा वगैरह के साथ। तो रट्टे मार रहे हैं पीछे बिल्कुल ढेर सारे फुल इनके। तो खैर, अभी इनके साथ रिवाइज करते हैं फिर। मौत का खेल होने वाला है। ठीक है, मौत का खेल होने वाला है और बहुत बुरी हालत हो रही है। हालत देखो यार, लास्ट लास्ट मोमेंट पे ये हो रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यार पेपर दे के आया हूँ, और पेपर था काफ़ी मुश्किल, मतलब बस एवरेज था, इतना आसान नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था। तो ऐसे ही वो हुआ, टेंस हो गया मैं, और ना फिर पेपर बनाने का, वो व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैं बस वहाँ से ना डायरेक्ट गाड़ी और घर आ गया। मैं सच में इतना टेंस हो गया था कि हम व्लॉग बना ही नहीं सके। शुक्र मिला, इतना प्लान किया हुआ था, इतने ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह प्लान किए थे। लेकिन अब हम लोग का है अगला एग्ज़ाम पैथो का, अब हम लोग आपसे मिलते हैं, लेकिन पैथो वाले एग्ज़ाम में। बीच में आपको अपनी स्टडी की रूटीन वगैरह दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो अब आज क्या करें, आज क्योंकि पेपर ऐसा आ गया था, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना सका, और मज़ा भी ना आता है, मेरी अजीब सी शक्ल हुई भी होती है आप लोग क्या। लेकिन पेपर फिर भी काफ़ी बेहतर हो चुका है, अच्छा हो गया, पास हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पास, ऐसी टेंशन नहीं है, पास फेल नहीं होते हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर वाले दिन। ठीक है, मौत का खेल अगले मौत के खेल में मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके। हाँ जी, हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मैंने कहा यार बाहर खाना खाने जा रहे थे थोड़ी देर, क्योंकि मेरा तबीयत एक तो ख़राब हो गई थी कॉलेज से आके, ठंड वगैरह लग यार बस लग रही, पेपर अच्छे हो जाए इतनी टेंशन होती ना इनकी। लेकिन हमारा ये, हमें खुशी की बात है, हमारा पहला पेपर जो था फार्मा का वो निकल चुका है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पेपर निकल चुका है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैसा हुआ है। ठीक है, तो खैर अभी जाते हैं फैमिली के साथ, अभी जा रहे हैं बाहर होटल जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, साथ थोड़े बहुत फनी मोमेंट्स आपको दिखाते रहेंगे, भाइयों से भी मिलवा देते हैं। ठीक है, आओ चले। ठंड वगैरह हो रही है फुल, सही है। जरा गेट को ताला शाला लगाते हैं यहाँ से, और फिर गाड़ी में बैठते हैं। गेट करो। हेलो। क्या सर्दी ज्यादा है? क्या है? ठंड। ठंड है यार, आ जाते पिंडी में, कम है यहाँ ज्यादा। होटल शोटल पहुँच गए हैं, घर जाके मिलते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? किससे पूछ रहे? मेंबर्स का तुम्हारे।
किससे पूछ रहे? सब्सक्राइबर से पूछ रहे क्या हाल है? अच्छा वो तो जवाब नहीं दे पा रहे, हम आते हैं जरा आप लोग बताएं आपका क्या हाल है। नहीं बताना नहीं बताना। अच्छा तेरे से एक सवाल करता हूँ मैं, तेरे से ना सवाल करूंगा, तूने गलत जवाब देना। हाँ ये कर लो पहले जी। ठीक है गलत जवाब देना। ठीक है चल तू बता के तेरा नाम क्या है? बात क्या बात है? अच्छा तू तेरी हरकतें लड़कियों वाली है? हाँ। अच्छा सही है। और बता और क्या पूछे? अच्छा तू पागल है? हाँ। तू गे है? हाँ। क्या बोला तूने? मैं जो अब जो कैंसिल कर दो, अब जो तूने गलत जवाब देना वो मैं काट दूंगा और अगली वाली वीडियो लगा दूंगा। चलो आ जा यार नीचे जाते हैं जरा, नीचे जरा ज्यादा सही तरह ऊंचा नहीं बोल रहे हैं, लगा देते नहीं वो तो चलो अच्छा है ना। अच्छा नाम वाला भी काट दूंगा अभी, नाम शबाज़ मैं नाम वाला भी काट दूँ। खैर यार अभी होटल चलते हैं फिर बताते हैं। हेलो गाइस, हम लोग आज फूड व्लॉगिंग भी करने लगे हैं। ठीक है हम लोग अभी लाइव रोटी जो है वो ट्राई करने लगे हैं। व्लॉग बनाने के चक्करों में मैं बहुत ज़्यादा क्रिंज भी हो चुका हूँ। ठीक है ना अभी हम लोग इनकी लाइव रोटी ट्राई करने लगे हैं। कैसी है? बहुत अच्छी है। ठीक है बहुत अच्छी है। क्या फूड व्लॉग कर रहे तू? लो तेरे भाई शेबी का बचपन है, तेरा बचपन है, देख क्यूट है ना। तो भी बचपन है। हाँ ये भी बात है वैसे। अल्लाह इतनी धुंध ही पड़ी है गाइस। गाइस ये धुंध देख रहे हैं आप? नहीं। कुछ नजर ही नहीं आ रहा गाइस। ये मेरा कैमरा ब्लर नहीं है गाइस, ये धुंध बहुत ज्यादा हुई हुई है। ठीक है ना गाइस? वाह पता नहीं गाइस इतना ज्यादा वो हुआ है, धुंध इतनी ज्यादा हुई है कुछ समझ नहीं लग रही कि हम नजर भी आ रहे हैं। ओए रुक जा एक मिनट। चल यार अब चले, इस वाली को ठोक दूं तो से गाड़ी चलाओ आती नहीं। गाइस आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा भाई जो है वो यहाँ बैठा है और ये छोटा भाई गाड़ी चला रहा है। गाइस कैमरा पता नहीं क्यों बार बार गंदा आ रहा है, समझ नहीं आ रही ऐसी है। घर वाले जो है वो पैदल निकल गए कि हमारा अच्छा उनको धुंध लगी है तो कह रहे पैदल यहाँ से मैकडॉनल्ड्स। खैर अभी बाबा मामा जरा कॉफी या चाय वगैरह लेने गए हैं तो मैं जरा गाड़ी में बैठा था और एकदम से हिट हो गया जी, आपका एग्जाम है प्रॉफ है और मैं अदर खाने आया हुआ हूँ। अल्लाह इतनी गंदी फीलिंग है ना इस वक्त, एकदम से हिट हो जाता है, रियलाइजेशन होती है कि यार गिल्ट होता है इतना कि यार मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, तो वो वाली फीलिंग वाली है। खैर वो आ गए अब चलते हैं आगे घर वाले। हाँ ठीक है गाड़ी जा रहे हैं। ओके हेलो ओए पैर गंदे जी इधर आ जा आ जा आ जा इधर आ ना सामान वो आएगा फिर आ जा आ जा चले आ जा चले। कैसे बात भी सुनता है हमारी, बैठ जा देखो बैठ जाता है फिर इसके पता नहीं नाले में इसकी पिछली जो है ना पिछली टांगें खराब हुई हुई हैं। ठीक है ठीक है चलो इसको खाना शाना देते हैं। खैर गाइस अब चलते हैं अंदर। ठीक है बाय बाय घर चलते हैं गाइस। ये डॉगी जो है ये हमारी गली में रहता है, हम इसको सिर्फ खाना शाना दे देते हैं और ये उसके बदले में बस यही हमने इसका छोटा सा स्पॉट बनाया हुआ है यहाँ पे तो कोने पे ये वहाँ पे रहता है वहाँ पे बस। और मतलब बस हम इसे खाना वगैरह डाल देते हैं, शेल्टर थोड़ी सी दे देते हैं और बस उस वजह से हमारी गली में रहता है, हर बंदे पे भोंकता है जो भी अनजान वगैरह आ जाए ना। तो हमने कहा चलो इसको यहाँ पे खाना खा देते क्योंकि बीमार था, बहुत छोटा था जब ये आया था ना, फुल पपी था फिर बड़ा हो गया आहिस्ता 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 आहिस्ता, अब तो 3 महीने हो चुके हैं इसके साथ। खैर भाई यार बस अब टेंशन पड़ी है, पढ़े जा रहे अपना यार पेपर की वजह से। खैर गाइस अब पढ़ते हैं जाके। ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इस वक्त नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार हो चुके हैं
रेडी टू गो, पैथोलॉजी का पेपर है, हम बस निकलते हैं, बस फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। तैयारी कर ली है यार, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अच्छा हो जाए पेपर बस, और पास होना होता है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब निकलते हैं, ठंड वगैरह हो रही है, धुंध आज नहीं है अभी, यहाँ भी तो नहीं है, देखते हैं रोड पर शायद हो। खैर निकलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो हम कॉलेज पहुंच चुके हैं, इस वक्त बज रहे हैं 8 और 9 o'clock हमारा पेपर स्टार्ट होता है, लेकिन अंदर जो एंट्री होती है वो 8:30 तक एंट्री हो जाती है। तो खैर हम पहुंच चुके हैं, अभी ज़्यादा रश नहीं है, बच्चे वगैरह रिवाइज कर रहे हैं, हम बस गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पे कहीं पे, और बस हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, आगे कर लेते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, ओके जी। अच्छा अभी तो सारे पढ़ रहे हैं, तो हम भी अभी रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं बुक्स लाना तो भूल गया, मेरे मोबाइल में रिवाइज करना है। तो अभी जनेश्वर के पास जाते हैं, जाके रिवाइज करते हैं थोड़ा बहुत, और फिर पेपर के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, इस वक्त कोई भी देखे, सारे एक भी बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठंड बहुत है बाहर, और वहाँ से हम जाते हैं तो वहाँ से हमारा एग्जाम होता है। खैर पेपर करके आते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अच्छा हो जाएगा, दुआ किया मौला से, और बस पेपर करके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं, ओके जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो पेपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया यार, आज मैं बहुत खुश हूँ कसम से। अभी कल रात हम सेलिब्रेट भी करके आए हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन फिर भी अच्छा है यार, कि मतलब टाइम, मैं सोचा था कि शायद टाइम वगैरह ज़ाया होगा, लेकिन अच्छा हो गया यार, शुक्र है पेपर, आई एम वेरी हैप्पी। अभी दोस्तों वगैरह से पूछते हैं, ये हम सेंटर से यहाँ से निकल रहे हैं, अभी दोस्त वगैरह हमारे वहाँ खड़े हैं, देखते हैं सबसे पूछते हैं कि इनका कैसा हुआ है। कैसा है? मैं ठीक हूँ जानी, तुम सुनाओ कैसा हुआ है? यार सही हो गया आज का पेपर, ठीक हो गया। रात कितना सोए थे? रात 3 बजे वीडियो कॉल करके पूछ रहा है यार कैसी तैयारी आ रही है यार, फटी पड़ी थी मेरी, कुछ समझ नहीं यार। शुक्र करो मैं तो ऐसे ऐसे बंदों को कॉल किया रात को जिनसे मैंने पूरा साल बाद देखा। तला कैसे हो? हेलो तला, यू आर लुकिंग वेरी बैडएस एंड कूल। थैंक यू वेरी मच। हंस क्यों रहे हो? अच्छा तला मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग रात को कितना सोए थे, तो तुम रात कितना सोए थे? एक 2 घंटे, एक आधा घंटा, 2.5 घंटे। सिर्फ 2.5 घंटे सोए थे? नाइस यार। और हैप्पी न्यू ईयर वैसे कोई सेलिब्रेट किया है? कोई नहीं, हैप्पी न्यू ईयर फार्मा पढ़ के सेलिब्रेट किया मैंने। फार्मा क्या रो पैथो। पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हो गया। पेपर अच्छा हो गया यार, ये चलो अच्छी, पिछले वाले की कसर आ गई इस वाले, लिटरली पिछला हमारा इतना खास नहीं हुआ था, तो हमने कहा चलो यार बस ये तो कुछ कसर होगी, अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। समी कैसे हो? पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा मुझे पहली बार जिंदगी में जो पहला पेपर हुआ है ना, जो फार्मा से मेरी बुरी हालत हो रही थी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि भाई मैं ऑफ हूँ, मैं थर्ड ईयर में निकल जाऊँ, बेहतर है। नहीं फार्मा ने वैसे सच में बहुत। अच्छा मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग रात को कितना सोए थे? हाँ तो तुम कितना सोए थे? मैं मैक्सिमम 3 hours to 4 hours। अच्छा 3-4 घंटे सोया? मैं तो सोया था, मैंने कहा यार इसके बगैर अगर नाना सोया तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। इतना सोना पड़ता है? हाँ इतना तो सोना पड़ता है। कैसे हो? ठीक हूँ। आप बताओ आप कितने और सोए थे? 4 घंटे। हेलो मोहतरम यार, बड़े क्या बात है, आउटफिट चेक। हाँ दिखा दिया। कैसा है? सबसे पूछ रहा हूँ रात को कितना सोए थे, तू बता। मैं यकीन करो 4:30 बजे सोया हूँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। 4:30 बजे सोया नहीं हूँ, मतलब लेटर हूँ, नींद नहीं है। फिर कॉलेज है डायरेक्ट? क्यों, ये क्या चल रहा है भाई, वो आउटफिट पहन के है, लड़कियाँ हैं आसपास यार, ऐसे थोड़ी वो। खैर यार सारी, मैं भी सिर्फ 2-3 घंटे ही सोया था, आपस की बात है, मैंने खुद अपना नहीं बताया, सबसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी 2-3 घंटे सोया था। खैर पेपर यार अच्छा हो गया, शुक्र है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ये लोग सब मेरे से पूछ रहे हैं कि व्लॉग कैसे एडिट किया, पेपर चल रहे हैं मैं पेपर में व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। यार ये देखो यार, तुम लोगों के लिए करता हूँ, तुम लोग एटलीस्ट लाइक वगैरह तो किया करो ना, ठीक है। दोस्त वगैरह वहाँ खड़े हैं, वहाँ चलते। हेलो जी, अच्छा तो हम लोग बस अब मैं जाने लगा हूँ घर, आज मैं वैसे खुद आया था, गाड़ी खड़ी है सामने। अच्छा पेपर हो गया यार, खुशी हो गई है, बस घर जाके सोएंगे। रात के बिल्कुल नहीं सोए हुए, मैं तो सिर्फ 2-3 घंटे सोया था, वो भी नींद नहीं आई, टेंशन इतनी थी पता नहीं इस पेपर की, पहला पेपर क्योंकि ज़रा नॉर्मल हुआ था ना तो इसलिए, लेकिन शुक्र है आज के पेपर बहुत अच्छा हो गया है। अभी निकलते हैं घर, लेकिन यहाँ पर हम करें अपने व्लॉग को एंड, क्योंकि भाई इतना लंबा व्लॉग हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें,
मेरे लिए दुआ करें, नेक्स्ट पेपर मेरा है उसका भी हम व्लॉग बनाएंगे, अच्छा हो जाए। और फिया मानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।